हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं बीए सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन 2021 का होम साइंस का पेपर, जो कि आपके सेकंड पेपर है होम साइंस का पेपर। इसके बाद इसको आज हम दिखाने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है, पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर के बारे में। दोस्त, इसका कोड नंबर है 2022। ये आपका कोड नंबर है पेपर का, बीए सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 होम साइंस पेपर 2, जिसका नाम है आपका मदर क्राफ्ट एंड चाइल्ड केयर। आपको टाइम दिया गया है 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स है आपके 75 का। अब आप बोलोगे टाइम तो मुझे 1.5 घंटे का दिया गया था। जी हाँ, आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है। और आपको पेपर में 3 घंटे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पेपर्स ऑलरेडी मार्च अप्रैल में बन चुके थे, आपके एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले थे ना, बट ड्यू टू कोविड-19 वो एग्जाम को स्थगित करना पड़ा। तो पेपर्स आपके ऑलरेडी बन चुके थे और वही पेपर करवाए जा रहे हैं, क्योंकि पेपर अगर फिर से बनाने में चले जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। काफ़ी टाइम लगने के साथ साथ काफ़ी लोगों को एफर्ट भी लगाना पड़ेगा और काफ़ी कुछ खर्चे भी आएंगे, तो इसी वजह से यही पेपर चलवाया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही रहने वाले हैं। तो अब बस आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, जब आप जाते हो तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पेपर करना है। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाओ, सबसे पहले आप नोट पढ़ लो। जैसे कि नोट नंबर 1 कह रहा है कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, एंड कुछ नोट्स इधर भी आपके दिख रहे हैं। यहाँ देखो, Answer two questions each from section A, word limit is 1000 for each, and section B, word limit is 500 for each part. यानी कि कह रहा है सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन का आंसर तो 1000 वर्ड में, एंड सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको 500 वर्ड्स में, एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो देखो चेंज कहाँ है, क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये भी जो भी आपको सामने, ये देखो हिंदी में वही नोट्स लिखा हुआ है, जो भी ये चीजें, ये आपके 3 घंटे के पेपर के लिए हैं। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, खंड आ से 1000 शब्दों में, खंड बा से 500 शब्दों में 2-2 प्रश्न करने हैं। तो चेंज क्या हुआ दोस्त, ये 2-2 प्रश्न हटा करके अब 1-1 प्रश्न करना है आपको। खंड आ से 1 प्रश्न करना है, खंड बा से आपको 1 प्रश्न करना है, यही चेंज हुआ है बस। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था, कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चेंज हुआ है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा चेंज हुआ है, कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। तो ये इस तरह से है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ दिख रहा है, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच, यानी कि हर किसी को 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। ओके, 200 वर्ड्स में आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, लेकिन अब आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपको 200 नहीं बल्कि आप 100 वर्ड्स कर दो, 100 वर्ड्स में आप इन 5 का आंसर आपको देना है। ये आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिखा हुआ, तो 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा, ए बी सी डी ई। तो ए नंबर कह रहा है आपका क्या, पेरेंटल केयर ऑफ मदर, मातृत्व की जो देखभाल है, पेरेंटल केयर ऑफ मदर, उसके बारे में बताना है कि माँ किस तरह से देखभाल करती है, 100 वर्ड्स में। दूसरा है आपका फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन की क्रिया होती है, उसके बारे में बात करना है। थर्ड जो सी नंबर क्वेश्चन है आपका, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। एंड डी ऑप्शन है आपका सप्लीमेंट्री फूड, पूरक आहार। एंड ई नंबर है आपका क्या, हैबिट्स फॉर्मेशन, हैबिट्स कैसे फॉर्मेशन होता है, हैबिट्स का निर्माण कैसे होता है। तो इन 5 टॉपिक्स पर आपको क्या करना है, 100 वर्ड्स में इस पर टिप्पणी करना है। 5 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, इन 5 ही टॉपिक्स पर आपको क्या करना है, 100 वर्ड्स में इस पर क्या करना है, टिप्पणी करना है सभी पर। ओके, ये कंपलसरी है, आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद आ रहा है आपका सेक्शन ए, सेक्शन ए में कह रहा है डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट, गर्भकालीन विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करो कि गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसका विकास किस तरह से होता है, कैसे कैसे विकसित होता है बच्चा, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे उसका विकास होता है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड आपके पास सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको पहले 3 घंटे के पेपर में 2 क्वेश्चन करना होता था, अब 1 क्वेश्चन आपको करना है, 4 में से 1 आपको करना है, इतना ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि गर्भकालीन विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करो कि बच्चा गर्भ में जाता है, यानी कि बच्चे की जब निषेचन की क्रिया के द्वारा बच्चे की शुरुआत होती है, उसमें किस किस तरह से कौन कौन सी अवस्थाओं में उसका चेंजेज होता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द केयर ऑफ न्यूटेन, यानी कि नवजात, न्यूनेट कहते हैं, नवजात शिशु की देखभाल की विवेचना कीजिए कि कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है, नवजात है, उसकी किस तरह से देखभाल करनी है, उसकी आपको विवेचना करना है 1000 वर्ड में। तो जो भी आपको इजी लग रहा है उस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। अगला 4th नंबर है डिफाइन इमोशंस एंड डिस्क्राइब द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इमोशंस क्या होता है, संवेग क्या होता है, उसको परिभाषित कीजिए और बच्चों को संवेगात्मक जो विकास है उसका वर्णन करो कि किस तरह से उसमें विकसित होना चाहिए या कैसे कैसे करना चाहिए। एंड 5th नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड, बच्चों की जो व्यवहारगत समस्याएं हैं उसका वर्णन करो, कैसे कैसे व्यवहारगत समस्याएं देखने को मिलती हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो इस तरह से आप 5 नंबर देख सकते हैं, 5
4-3-2 इस तरह से चार क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। इन चारों में से जो भी आपको लगता है कि इट इज इजी फॉर मी, मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं या दे सकती हूं, तो उसका आंसर आप दे सकते हो 1000 वर्ड में। कोई भी इन चारों में से एक आप चूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद शुरू होता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी आपको चार क्वेश्चन ही दिए हुए हैं और उन चारों में से ही भी आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है। पहले दो करना होता था, अब आपको एक ही क्वेश्चन करना है। जैसे कि 6 का क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो 6 का ए कह रहा है फिटनेस ऑफ मदरहुड, मातृत्व की उपयुक्तता क्या है, यानी कि फिटनेस कितनी होनी चाहिए मदर की, अगर वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है या जन्म के लिए सोच रहे हैं वो कि एक बच्चा हमें चाहिए, तो उसके लिए जो है फिटनेस लेवल क्या होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करना है आपको। अगर आप देखोगे सेक्शन बी में तो आपको एक क्वेश्चन पे दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे 6 है तो 6 का ए आपको यहां मिल गया, अगर आप 6 चूज कर रहे हैं करने के लिए तो 6 का ए आपको मिल गया एंड 6 का बी भी आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप 6 नंबर चूज कर रहे हैं तो ए एंड बी दोनों करना पड़ेगा। बी कह रहा है आपका ब्रेस्ट फीडिंग, जिसको हम स्तनपान करते हैं, मतलब कि जो दूध पिलाते हैं बच्चों को, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। कैसे पिलाते हैं, कितना पिलाते हैं, कब पिलाते हैं, कैसे पिलाना चाहिए, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है 500 वर्ड्स में। ओके, अगर 6 नंबर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है आपके पास, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन शॉर्ट, निम्नलिखित का संक्षेप में वर्णन करो। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है टीथिंग, दांत निकलना, दांत कैसे निकलता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे कैसे बच्चों में दांत निकलता है। एंड आपका अगला है इम्यूनाइजेशन, यानी कि टीकाकरण जो होता है, कब कौन से टीके लगाए जाते हैं, 6 महीने पे कौन से टीके लगाए जाते हैं, 1 महीने पे, 3 महीने पे, साल भर पे कौन कौन से टीके लगते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप ये 7 नंबर क्वेश्चन कर सकते हो, एंड नहीं तो आपके पास 8 नंबर भी ऑप्शन है, इस पर भी टिप्पणी करना है। क्या, शिशु के वस्त्र, क्लॉथिंग ऑफ इन्फेंट, बच्चे को कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए, कब कौन सा वस्त्र पहनाना चाहिए, कब डायपर पहनाना चाहिए, कब आगे थोड़ा सा वस्त्र पहनाना चाहिए, फिर आगे और भी वस्त्र जो है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। कब बच्चा कौन सा वस्त्र पहने, या बच्चे को किस तरह से वस्त्र हमें बताना चाहिए, जब वो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो कैसा वस्त्र पहने, उसके बारे में डिस्कस करना है आपको 500 वर्ड्स में। एंड 8th का बी कह रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, बच्चे का व्यक्तित्व विकास कैसे हो, इसके बारे में आपको डिस्कस करना होता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन अगर आपको पता है इन दोनों टॉपिक्स के बारे में, आपको अच्छे से नॉलेज है, तो आप यही करते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, चार चार क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, चार में से केवल एक क्वेश्चन आपको बताना है। जैसे कि 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें भी वही शॉर्ट में नोट्स लिखना है, इन सभी के बारे में टिप्पणी करना है। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है प्रीमैच्योर बर्थ, अपरिपक्व जन्म, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि एक बच्चे को जन्म लेना है, उसको 9 to 10 month लगते हैं बच्चे को एक परिपक्व बनने में, यानी कि एक अच्छी जो डिलीवरी होती है बच्चे की वो 9 से 10 महीने में होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 7th या 8th month में ही बच्चे को निकालना पड़ता है ड्यू टू सम रीजंस। तो अपरिपक्व जन्म क्या होता है, क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड बी कह रहा है सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, जब बच्चा छोटा सा है, बालक है, उसका सामाजिक विकास किस तरह से करना है, कैसे कैसे होना चाहिए, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है 500 वर्ड्स आप इसके लिए भी दे सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह से 6, 7, 8, 9 चार क्वेश्चन है, इनमें से जो भी आपको पसंद है एक क्वेश्चन आप कर सकते हो 500 करके दोनों क्वेश्चन के लिए। ओके, तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पर आए प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इफ यू आर इन बीए, तो एक बार जाकर के विजिट जरूर करना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।